Hello everyone, myself Dinesh Kumar Sani and I am a physics faculty. Right now I already passed out from NIT Jalandhar, and since last 3 years I used to teach physics for JEE and NEET aspirants. Okay, so today we will discuss the Coulomb ke niyam ke baare mein. गुलाम के नियम की बात करें तो अपने पास स्थिर वैद्युतिक में अपने पास जब भी दो आवेशों के बीच में अगर बल की बात करें अपने पास कि किस तरह का किस प्रकार का बल यूज होता है तो उसको हम अपने पास यहाँ पे देखते हैं अपने पास गुलाम के नियम से. ठीक है, स्थिर वैद्युतिक में अपने पास दो प्रकार के आवेश होते हैं. फर्स्ट अपने पास होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है अपने पास ऋणात्मक आवेश. ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों अपने पास इस तरह से तैयार अपने पास यहाँ पे अगर प्रोफेशन की बात करें कि धनात्मक आवेश किस तरह से फॉर्म होता है और ऋणात्मक आवेश किस तरह से फॉर्म होता है तो बेसिकली अपने पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास यहाँ पे अगर कोई अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है. ठीक है, अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो उस केस में अपने पास जो आवेश होगा वो कैसा होगा, अपने पास यहाँ पे धनात्मक. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास एटम से जो है बाहर जाता है. अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास यहाँ पे ग्रहण कर रहा है तो इस केस में अपने पास उस अणु पे अगर हम देखें तो उस अणु पे अपने पास यहाँ पे आवेश होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक. अगर नॉर्मली अपने पास हम देखते हैं कि अपने पास जो कूलॉम का नियम हम बेसिकली अपने पास यहाँ पे दो अपने पास अगर आवेश है या तो वो धनात्मक हो सकते हैं दोनों या दोनों कैसे हो सकते हैं, ऋणात्मक. अगर अपने पास यहाँ पे या धनात्मक होगा या ऋणात्मक या एक धनात्मक होगा या एक ऋणात्मक तो उनके बीच में अपने पास जो अपने पास बल कार्य करता है उसका नाम होता है स्थिर गतिकी बल. और स्थिर गतिकी बल की अगर हम बात करें तो उसको हम अपने पास उसको हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कूलॉम्स के नियम के अकॉर्डिंग. अगर कूलॉम्स का नियम क्या कहता है कि अपने पास अगर कोई अपने पास आवेश अगर किसी निकाय में प्रेजेंट है सिस्टम में या किसी निकाय में अपने पास दो अगर अपने पास आवेश प्रेजेंट है इस मान के पास उनका आवेश है कूलॉम और दूसरा आवेश अपने पास क्या है क्यूलॉम. अभी शुरुआत में हमें नहीं पता अपने पास कि दोनों आवेश या तो धनात्मक हो सकते हैं या ऋणात्मक हो सकते हैं या एक धनात्मक हो सकता है दूसरा ऋणात्मक हो सकता है. और इन आवेश के बीच में अगर आपको जो दूरी के बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, 8. ठीक है, तो इस तरह अपने पास यहाँ पे कूलॉम का नियम क्या कहता है कि कूलॉम के नियम के अनुसार कि अपने पास यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल या स्थिर गतिकी बल वो समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के इन दोनों अपने पास आवेशों के आवेश नियम. ठीक है, क्यूबल और क्यूटू है. ठीक है, आवेश के जो है अपने पास परिमाण है क्यूबल और क्यूटू पे अपने पास क्या करें डिपेंड करेगा. या हम कह सकते हैं कि जो अपने पास स्थिर गतिकी बल है वो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है इसके आवेश अपने पास यहाँ पे क्यूबल के परिमाण की और दूसरा क्यूबल के परिमाण है. ठीक है, तो इसको हम देखिए इक्वेशन नंबर. और इसी तरह से दूसरा अपने पास क्या कहता है कि इन दोनों के मध्य अगर अपने पास दूरी जो है तो अपने पास कितनी है स्मॉल आर अपने पास होगी. तो अगर स्मॉल आर अपने पास अगर दूरी प्रेजेंट है तो उस केस में अपने पास यहाँ पे जो अपने पास बल है वो अपने पास गतिमानुपाती होता है इसकी दूरी में स्क्वायर है इसके वर्ग के. अपने पास क्या होगा अपने पास यहाँ पे गतिमानुपाती इसको नाम देंगे अपने पास इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब जब अपने पास दोनों इक्वेशन को हम एक साथ देखते हैं तो उसके इसमें अपने पास यहाँ पे लिखा जाता है अपने पास के ऐसा लिखा है एफ इज इक्वल टू अपने पास एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. ठीक है, और जब इस अपने पास समानुपाती नियतांक को जब घटाते हैं अपने पास तो हम एक नियतांक के पास हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या एफ इज इक्वल टू के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. जहाँ पर अपने पास क्या के अपने पास एक स्थिर गतिकी नियतांक है जिसके अपने पास यहाँ पे वैल्यू है जो अपने पास मिलती रहती है के की वैल्यू भी रहती है 9/10^9 और अपने पास यहाँ क्या हो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, अपॉन कूलॉम स्क्वायर. ठीक, अब ये हो गया अपने पास इसमें निर्वात में निर्वात में अपने पास जो के है उसकी वैल्यू क्या होगी 9/10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर. इसी तरह से अपने पास यहाँ पे के को हम व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार से क्यू वन अपॉन 4/εe. ठीक है, जहाँ पे अपने पास जो एप्साइलॉन होता है उसकी वैल्यू होती है अपने पास यहाँ पे इसे बोलते हैं
यह मास किस में यह मास स्क्वायर मास तो उसकी वैल्यू अपने पास 8.85 × 10⁻¹². ठीक है और इसकी यूनिट अपने पास होती है इसका अवधारण संबोधन क्या कूलम्ब्स न्यूटन क्लियर इसको एब्सोल्यूट को बोलते हैं अपने पास निर्वात की विद्युत क्षमता क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट को निर्वात की अगर दो अवश्य के बीच में अगर हमें बल बल निकालना है तो उसके हम पसंद करेंगे फॉर्मूला के पास क्या होता है F = k × Q1 × Q2 / R2 ठीक जहां पर हमारे पास Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश के परिमाण और हमारे पास R के अनुपात दोनों के बीच की दूरी ठीक है अब वही अगर हमारे पास यहां पे अगर आपको माध्यम दूसरा दिया हुआ हो है ना तो उस केस में आपके पास यहां पर माध्यम दिया हुआ अपने पास यहां पे अपना क्या करते हैं PTR जो अपने पास दिया था तो हम निकालते हैं एप्सिलॉन R इसको हम पास बोलते हैं उसको हम क्या लिखेंगे E/εE जहां पे एप्सिलॉन अपने पास क्या होगा कि अपने पास है माध्यम की विद्युत क्षमता और अपने पास एप्सिलॉन तो अपने पास है निर्वात की विद्युत क्षमता तो इस केस में अपने पास यहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू आपको सबको दिया एप्सिलॉन R ये फार्मूला यूज करके अगर आपके को माध्यम लगे अगर आपके पास अगर माध्यम दिया होगा तो उस केस में आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह आप क्या कर सकते हो अपने पास E = Er / k0 ठीक इस प्रकार से अपने पास हम जब भी अपने पास दो आवेशों के बीच में जब बल की बात करते हैं तो बल अपने पास जो होता है अपने पास वो दोनों के आवेश के समानुपाती होता है और उनके बीच में अपने पास यहाँ पे जो दूरी होती है उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती उसका अपने पास यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू अपने पास लिखते हैं अपने पास E = 8.85 × 10⁻²⁰ × m² इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो k है इसे बोलते हैं अपने पास यहाँ पे निर्वात के लिए क्या होता है 9 × 10⁻⁹ अपने पास n² × m² अब तो यहाँ पर अपना जो बल्ब अपने पास कार्यरत है इसमें तो अब दोनों अपने पास अगर दोनों अपने पास आवेश है एक क्यूबल दूसरा अपने पास क्या है क्यूब अगर दोनों आवेश की अगर हम बात करें तो इनके बीच में अपने पास अगर जो बल है वो किस प्रकार का होगा कैसे देखते हैं कि बस अगर अपने पास दोनों अपने पास आवेश अगर धनात्मक है या दोनों आवेश अपने पास ऋणात्मक है ठीक है नोट कर अपने पास आते अगर दोनों अपने पास आवेश में अगर अपने पास आवेश का प्रकार अपने पास अगर समान है तो उस केस में अपने पास इन दोनों के बीच अपने पास प्रतिस्पर्धा अपने पास रिपल्सिव फोर्स अपने पास अप्लाई करेगा ठीक है तो एक दूसरे को अपने पास परस्पर क्या करें तक है ठीक है क्या यहाँ आप ये कह सकते हो अपने पास तो अपने पास एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पर अपना जो बल होगा वो कैसा होगा प्रतिकर्षण कैसा बल होगा प्रतिकर्षण ठीक है इसी तरह से अपने पास अगर एक आवेश धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक या दोनों आवेश अपने पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हैं तो उस केस में अपने पास जो बल है उसका प्रकार कैसा होगा आकर्षण ऐसा होगा आकर्षण तो जब भी अपने पास यहाँ पे अगर देखोगे अपने पास तो जो फोर्स है अपने पास यहाँ पे जो बल है अगर इस बल की बात करें अगर ये जो बल है इसका अगर अपने पास परिमाण अगर धनात्मक आता है ठीक है अगर बल का अपने पास परिमाण क्या होगा धनात्मक आता है तो उस केस में अपने पास क्या होगा कि अपने पास यहाँ पे जो भी पास अगर आप देखोगे उस केस में अपने पास जो बल होगा वो किस प्रकार होगा अपने पास यहाँ पे प्रतिकर्षण ऐसा होगा प्रतिकर्षण क्योंकि अपने पास समान आवेश है तो अपने पास एक दूसरे को क्या करेंगे अपने पास आपको प्रतिकर्षित करें इसी तरह अपने पास अगर बल जो है वो अपने पास कैसा है ऋणात्मक तो उस केस में अपने पास यहाँ पे कैसा होगा अपने पास यहाँ पे अपने पास आकर्षण अगर बल का जो परिमाण है अपने पास कैसा रहा है ऋणात्मक आ रहा है तो उस केस में अपने पास जो बल होगा वो कैसा होगा अपने पास यहाँ पे आकर्षण तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे कूलम्ब के नियम के अनुसार हम अपने पास याद कर सकते हैं कि जब इन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर अपने पास इन्हीं दो आवेशों को अगर एक अपने पास एक दूरी जो अपने पास अगर किसी निश्चित दूरी को रखा जाए तो उस केस में उन पर लगने वाला जो बल होगा
वो उनके अपने पास आवेश के द्रव्यमान के समानुपाती तथा उनके अपने पास जो बीच की दूरी है उसके क्या रहेगा, उसके भर के क्या रहेगा, व्यक्तिमानुपाती। इस तरह से अपने पास यहाँ उसके पास साथ में आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि अपने पास अगर का जो परिमाण आपको इस साथ मिला हो उस तरह से अपने पास यहाँ पे आप इसलिए फॉर्मूला यूज करके आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे गुलाम का। थैंक यू।